दोस्तों आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन से पहले कोलकाता ने किया बड़ा ऐलान। श्रेयस अय्यर के जगह अब ये तीन विस्फोटक खिलाड़ी बन सकते हैं कोलकाता नाइट राइडर के नए कप्तान। तो दोस्तों कौन है वो तीनों खिलाड़ी जो कोलकाता नाइट राइडर के नए कप्तान बन सकते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग ऐसे क्रिकेट की सभी ताज़ा खबरें सबसे पहले पाना चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि केकेआर की टीम ने श्रेयस अय्यर को कप्तानी के पद से हटाकर उनको टीम से रिलीज कर दिया है। ऐसे में कोलकाता को एक कप्तान की सख्त जरूरत है। दोस्तों तीन खिलाड़ियों के नाम सामने आए हैं जो कोलकाता की टीम के नए कप्तान बन सकते हैं। उन तीन खिलाड़ियों में से पहले खिलाड़ी हैं जॉस बटलर। दोस्तों जॉस बटलर आईपीएल हिस्ट्री के सबसे सफलतम खिलाड़ियों में से एक हैं। जॉस बटलर आईपीएल में भी कप्तानी कर चुके हैं, साथ ही साथ वो अपने देश इंग्लैंड के लिए भी कप्तानी करते हुए नजर आते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी खास बात यह है कि जॉस बटलर एक विस्फोटक ओपनर होने के साथ साथ एक विकेट कीपर बल्लेबाज भी हैं, इसीलिए दोस्तों कोलकाता की टीम इनको अच्छे खासे दाम देकर अपनी टीम में शामिल करना चाहेगी और साथ ही साथ इनको कप्तान भी बनाना चाहेगी। उसके बाद दोस्तों दूसरे खिलाड़ी होंगे एडन माकरम। दोस्तों एडन माकरम आईपीएल में भी कप्तानी कर चुके हैं, साथ ही साथ ऐसे टी20 लीग में अपने कप्तानी के अंडर दो बार लगातार अपने टीम को चैंपियन बना चुके हैं। दोस्तों एडन माकरम मिडिल ऑर्डर में भी बल्लेबाजी कर सकते हैं, साथ ही साथ जरूरत पड़ने पे वो ओपनिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों कोलकाता की टीम आईपीएल ऑक्शन में एडन माकरम के पीछे जरूर जाएगी और बहुत ही कम दाम में इनको अपनी टीम में शामिल कर सकती है। उसके बाद दोस्तों तीसरे खिलाड़ी हैं फाफ डु प्लेसिस। फाफ डु प्लेसिस को आईपीएल में कप्तानी करने का अच्छा खासा अनुभव है, साथ ही साथ उन्होंने पिछले साल अपनी कैप्टनशिप के अंडर में आरसीबी को प्लेऑफ तक पहुंचाया था। दोस्तों फाफ डु प्लेसिस एक विस्फोटक ओपनर होने के साथ साथ एक बेहतरीन फील्डर भी हैं, इसीलिए कोलकाता की टीम ऑक्शन में इनके ऊपर बोली जरूर लगाना चाहेगी। अगर ये खिलाड़ी कोलकाता नाइट राइडर को मिल जाता तो ये खिलाड़ी कोलकाता का नया कप्तान भी बन सकता है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से यही वो तीन खिलाड़ी हैं जो कोलकाता नाइट राइडर के नए कप्तान बन सकते हैं। बाकी आप लोगों की इसमें क्या राय है आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों साथ ही साथ ऐसे क्रिकेट की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।